सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में दो मंदिर होते हैं, एक तो देवालय जहां भगवान की पूजा होती है और दूसरा रसोई घर। रसोई घर भी मंदिर है अन्नपूर्णा का। वहीं से तो अन्न रस तैयार होता है, उसी से तो सारे परिवार का पोषण हो रहा है। उसको बहुत पवित्र रखने की आवश्यकता है। आज वर्तमान काल में घरों की रसोईयां पवित्र नहीं रह गई, कोई अच्छे संतों को ब्राह्मणों को जीवाने योग्य नहीं रह गई। यह बात बड़े खेद के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों के घरों में देखा है वहीं झूठे बर्तन पड़े हैं, तमाम झूठन पड़ी हुई है और वहीं सब बन रहा है। कई बार तो माताएं बनाते बनाते थोड़ा पा भी लेती हैं, चख भी लेती हैं। ये सब बहुत दोष है। ठंडी तो बहुत है, हम कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, पर एक बात शास्त्र की हम कह दें। अब भले ही आप नाराज हो जाओ, पर शास्त्र की बात तो हमें कहना ही चाहिए। चप्पल यदि सोने की भी हो तब भी उसको पहन करके रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, महाराज जी वो तो घर के अंदर वाली चप्पल है, ये बाहर वाली अलग है, अंदर वाली अलग है। अरे वो तो ठीक है, पर यदि वो स्वर्ण की भी बनी हो तब भी रसोई घर में चप्पल प्रवेश नहीं होना चाहिए। वो भगवान का भोग लगने का, भोग बनने का स्थान है। अब आप कहेंगे इतनी ठंडी है कैसे जाएं? कोई बात नहीं है, आप लकड़ी की खड़ाऊ बना सकते हैं, लकड़ी के खड़ाऊ पहन सकते हैं, या कपड़े का पहन लीजिए बना करके, या नीचे कोई कुछ बिछा दीजिए उस पर चल सके, फर्श पर पैर ना रखना पड़े, पटे पर खड़े होकर बनाइए। लेकिन रसोई घर में जूते चप्पल का प्रवेश कभी नहीं होना चाहिए। आजकल तो झूठे बर्तन भी सब रसोई घर में इकट्ठे होते हैं, है? ये सब बातें भी हम देखो कथाओं के बीच बीच में इसलिए कह देते हैं कि हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वैष्णवता अपना रहे हैं, तो भैया हम ऐसा कुछ करें कि भगवान को प्रिय लगे। बिना शुद्धि के, बिना आचार विचार के भगवान को पाना सहज नहीं है। आचार विचार जीवन में बहुत आवश्यक है। जब तक आचार विचार नहीं होगा, लोग कहते वो कर्माबाई की खिचड़ी भगवान खाते थे, सबरी के झूठे बेर खा लिए। अरे भैया सबरी जैसा त्याग तो हो, सबरी जैसा समर्पण हो। सबरी ने सारे जीवन भगवान की प्रतीक्षा करती रही और राम राम रटती रही, है ऐसा प्रेम? कर्माबाई जैसा प्रेम हो सकता है? संभव नहीं है। और किसी को हो जाए तो वंदनीय है, लेकिन भैया आग्रह निवेदन यह है कि घर को अत्यंत पवित्र रखिए, रसोई घर को तो एकदम पवित्र रखिए।